लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। हिंदी मानसून कमजोर होने से दिल्ली वाले होंगे गर्मी और उमस से बेहाल। 9 जुलाई से फिर होगी बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून 28 जून को दिल्ली NCR में अपने आने के सामान्य दिन से एक दिन पहले ही पहुंच गया था। मानसून आने से शहर में अच्छी बारिश हुई। 27 जून को सफदरजंग मौसम विभाग में 20 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पालम वेदशाला में 33 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश से दिल्ली वासियों के चेहरे खुशी से खिल उठे, जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। काबिले गौर है कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से शुष्क और गर्म मौसम की स्थिति बनी हुई थी। बारिश का सिलसिला शुरू होने से तापमान में गिरावट आई। जहां 25 जून को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था, वहीं 28 जून को ये 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। 29 जून को पारा फिसलकर 34 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इस प्रकार 4 दिनों के भीतर तापक्रम में 10 डिग्री की गिरावट देखी गई। उसके बाद बारिश राष्ट्रीय राजधानी में कम हो गई और तब से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों मसलन नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में रह कर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। पिछले दिनों भी दिल्ली और NCR में दोपहर के दौरान कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और तूफान का दृश्य देखने को मिला। दिल्ली के पालम में 0.2 मिमी की बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन सफदरजंग में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। स्काई मेट वेदर के मुताबिक बारिश में कमी, मानसून की अक्षीय रेखा दिल्ली के उत्तर की तरफ परिवर्तित हो गई है, जिसकी वजह से पश्चिम से शुष्क हवा का प्रवाह बढ़ गया है, जो बारिश को दूर करती है, लिहाजा मौसम शुष्क होता है। हालांकि छुटपुट बारिश का दौर अभी भी जारी है, लेकिन तेज वर्षा नहीं हो रही। अलग अलग जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश दर्ज की गई है, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। यही वजह है कि मौसम अभी भी गर्म और आर्द्र है, जिसके लोगों को खासी दिक्कत का सामना है। अभी तक मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर की तरफ और आगे हिमालय के तराई क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरित हो गई है, और इस वजह से शुष्क पश्चिमी हवाओं का प्रसार जारी रहेगा, जिसके चलते अगले कुछ दिनों तक दिल्ली और NCR में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि अभी वातावरण में जिस तरह नमी का स्तर मौजूद है और तापमान बढ़ रहा है, उससे गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और थोड़ी देर के लिए किसी खास जगह बारिश हो सकती है। हालांकि 9 और 10 जुलाई के आसपास दिल्ली NCR में अच्छी मानसूनी बारिश हो सकती है। कृपया ध्यान दें, स्काईमेट की वेबसाइट पर उपलब्ध किसी भी सूचना या लेख को प्रसारित या प्रकाशित करने पर सभार स्काईमेट वर्डर काम अवश्य लिखें।